नमस्ते अंकमित्र, अबेकस के इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे आप पेपर पे देख सकते हैं, मैंने कॉम्बिनेशन फार्मूला एडिशन के सारे लिखे हुए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन फार्मूला कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, कौन से सिचुएशन में इसका यूज़ होगा, ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। कॉम्बिनेशन फार्मूला सीखने से पहले सभी स्टूडेंट्स को स्मॉल फ्रेंड्स और बिग फ्रेंड्स के सारे फार्मूले आना ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट जब एबेकस क्लास शुरू करता है तो सबसे पहले नंबर आइडेंटिफिकेशन के बाद वो स्मॉल फ्रेंड सीखता है। स्मॉल फ्रेंड का एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों होने के बाद वो बिग फ्रेंड सीखता है। बिग फ्रेंड का एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के बाद फिर स्मॉल कॉम्बिनेशन फार्मूला सीखेगा। ओके, सो कॉम्बिनेशन फार्मूला एडिशन मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने +6 +7 +8 और +9 के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन फार्मूला सिर्फ इन चार डिजिट्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। 1 से लेके 5 तक डिजिट्स के लिए कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो +6 का फार्मूला जैसे आप देख सकते हैं कि उसका बिग फ्रेंड है 4। अभी 6 या 7 या 8 या 9, इन सारे नंबर्स को स्मॉल फ्रेंड नहीं होता, इनको सिर्फ बिग फ्रेंड होता है। तो मैंने पहले जो लिखा हुआ है +6 के लिए, मैंने पहला जो लिखा हुआ है -4 +10, ये उसका बिग फ्रेंड फार्मूला है, जहाँ पे हम 6 का बिग फ्रेंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 10 ऐड कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन अभी कुछ सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हमारे पास ये 4 सब्ट्रैक्ट करने के लिए शायद ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज होता है। तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि इस -4 करने के लिए जब 4 बिट्स अवेलेबल ना हो, तो हम ये -4 उसके अपने स्मॉल फ्रेंड फार्मूला से कवर करते हैं। ओके, सो -4 का स्मॉल फ्रेंड फार्मूला है +1 -5। तो ये यूज करके हम -4 पूरा करेंगे और -4 के साथ +10 करके हम +6 का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। उसी तरह 7 का फ्रेंड बिग फ्रेंड है 3, तो +7 करने के लिए -3 +10 उसका बिग फ्रेंड फार्मूला है। लेकिन अगर 3 बिट्स सब्ट्रैक्ट करने के लिए ना हो, तो वैसे सिचुएशन में -3 करने के लिए हम उसका खुद का स्मॉल फ्रेंड फार्मूला, जो कि है +2 -5, तो ये यूज करके हम -3 करेंगे और -3 के साथ +10 करके 7 का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। उसी तरह आप देख सकते हैं 8 और 9 के लिए भी मैंने उसके अपने कॉम्बिनेशन फार्मूला उसी सेम लॉजिक से यूज किए हुए लिखे हुए हैं। अभी एबेकस पे यूज करते हुए देख लेते हैं कौन से सिचुएशन में ऐसे आएगा। अभी सपोज हमारे पास एबेकस पे 25 ये नंबर है। ओके, सो 25 में पहले ले लेता हूँ। 25 लेने के बाद अगर मुझे इस नंबर में 6 ऐड करना है, अभी 6 ऐड करने के लिए मुझे -4 करना ज़रूरी है, -4 करके +10 करना है। लेकिन -4 करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 4 बीट्स नहीं है, सो यहाँ पे अगर 4 से कम कोई भी बीट्स होंगे तो हमें 6 के लिए कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि 25 हो, 26 हो, 27 हो या 28 हो, कोई भी सिचुएशन में हमें कॉम्बिनेशन फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ जब 29 होगा हमारे पास, तो 29 जब होगा तब हम उसमें कॉम्बिनेशन फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बिग फ्रेंड से काम चला सकते हैं। तो 6 का बिग फ्रेंड है -4, तो अगर 29 अगर हमारे पास होगा और उसमें अगर हमें 6 ऐड करना होगा, तो हम -4 +10 करके 6 कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उतने 4 बिट्स नहीं है, सपोज हमारे पास 28 है, यानी कि सिर्फ नीचे 3 बिट्स अवेलेबल है, 4 बिट्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में -4 करने के लिए हम उसका स्मॉल फ्रेंड फार्मूला यानी कि +1 -5 ये यूज़ करेंगे। सो +1 -5 करके हमने -4 का पार्ट फिनिश किया और -4 के साथ में +10 कर देंगे तो हमारा 6 का फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह सपोज हमारे पास 7 अभी ऐड करना है और स्टार्टिंग नंबर अगर 28 ही है, तो अगर 28 में 7 अगर ऐड करना है, तो 7 का बिग फ्रेंड है 3, -3 +10 हमें करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 बिट्स अवेलेबल है, तो इधर कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बिग फ्रेंड -3 +10 करके पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हमारे पास 3 से कम बीट्स है, 2 या 1 या 1 भी नहीं, यानी कि अगर 25 भी होगा, तो हमें 7 ऐड करने के लिए -3 +10 का फार्मूला यूज़ करने के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ भी बीट अवेलेबल नहीं है सब्ट्रैक्ट करने के लिए।
तो ऐसे सिचुएशन में हम माइनस थ्री का स्मॉल फ्रेंड फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, प्लस टू माइनस फाइव, और उसके साथ प्लस टेन करके सेवन का फार्मूला कंप्लीट करेंगे. सो प्लस टू माइनस फाइव करके हमने माइनस थ्री का पार्ट फिनिश कर दिया, और उसके साथ प्लस टेन कर देंगे तो हमारा प्लस सेवन का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है. सो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये बिग फ्रेंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर बीड्स कम पड़े तो वैसे सिचुएशन में ही सिर्फ कॉम्बिनेशन फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है. तो अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं. अभी एट के लिए सपोज हमारे पास एबेकस पे 36 ये नंबर है. 36 में अगर मुझे 8 ऐड करना है तो 8 ऐड करने के लिए 8 का बिग फ्रेंड है 2. तो प्लस टू सॉरी माइनस टू प्लस टेन ये हमारा बिग फ्रेंड फार्मूला है. लेकिन माइनस टू हम इस रॉड पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो बीड्स अवेलेबल नहीं है. तो माइनस टू करने के लिए हमें उसका खुद का स्मॉल फ्रेंड फार्मूला यानी कि प्लस थ्री माइनस फाइव ये यूज करके हमने माइनस टू किया और माइनस टू के साथ साथ प्लस टेन कर देंगे तो एट का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. सो एट ऐड करने के लिए हमने प्लस थ्री माइनस फाइव के साथ प्लस टेन करके एट कंप्लीट किया है. वैसे ही अगर नाइन का देखा जाए तो नाइन के लिए सपोज हमारे पास 75 ये नंबर है. अभी नाइन का जो बिग फ्रेंड है वो है वन, तो यहाँ पे एक भी बीड नहीं होना चाहिए नीचे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तभी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. अगर यहाँ पे नीचे एक बीड भी अवेलेबल हो, एक या दो या तीन या चार कि अगर कोई भी बीड अवेलेबल हो तो हमें कॉम्बिनेशन फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन यहाँ पे अभी 75 के केस में हमारे पास नीचे यहाँ पे कोई भी बीड अवेलेबल नहीं है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और इसीलिए माइनस वन करने के लिए हमें उसका खुद का स्मॉल फ्रेंड फार्मूला यानी कि प्लस फोर माइनस फाइव ये यूज करना पड़ेगा. सो प्लस फोर माइनस फाइव यूज करके हमने माइनस वन कर दिया और माइनस वन के साथ में प्लस टेन करके हमें नाइन का फार्मूला हमने कंप्लीट कर दिया है. तो उम्मीद है आपको ये कॉम्बिनेशन फार्मूला का इस्तेमाल समझ में आ गया हो, कौन से सिचुएशन में और कैसे उसका यूज़ होगा ये आपने देख लिया हो. एक आसान सी ट्रिक है कि अगर कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो उसको इमीडिएटली दिमाग में कैसे लाया जाए कि कौन से बीड से शुरू करना है. तो उसके लिए ट्रिक कैसे है कि सिक्स के लिए ध्यान दीजिए. प्लस सिक्स करने के लिए अगर हमारे पास माइनस फोर ना हो तो ये दिमाग में लाने का कि सिक्स बनता कैसे है एबेकस पे. सिक्स बनता है फाइव प्लस वन. ओके, सो फाइव प्लस वन से सिक्स बनता है तो फॉर्मूला की शुरुआत प्लस वन माइनस फाइव प्लस टेन से होगी. सेवन के केस में सेवन बनता है फाइव प्लस टू से यानी कि एबेकस पे फाइव प्लस टू से सेवन बनता है तो कॉम्बिनेशन फार्मूला जो शुरू होता है वो कैसे होता है, प्लस टू माइनस फाइव प्लस टेन से होता है. वैसे ही एट के केस में एट बनता है फाइव प्लस थ्री से तो कॉम्बिनेशन फार्मूला की जो शुरुआत होती है वो प्लस थ्री. एट में जो फाइव प्लस थ्री होता है ना तो वो थ्री दिमाग में लाने का और कॉम्बिनेशन फार्मूला हम शुरू कर सकते हैं प्लस थ्री माइनस फाइव प्लस टेन. वैसे ही नाइन का भी, नाइन के लिए एबेकस पे नाइन जो नंबर बनता है वो है फाइव प्लस फोर से नंबर नाइन बनता है तो उसका कॉम्बिनेशन फार्मूला भी शुरू होता है प्लस फोर माइनस फाइव प्लस टेन उसी तरीके से. तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिक ये दिमाग में लाने के लिए कि वो कॉम्बिनेशन फार्मूला कैसे जल्द से जल्द हम इस्तेमाल कर सके. इसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए. मैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ कॉम्बिनेशन फार्मूला ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा और उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा. थैंक यू.